स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.6। तो हमारे पास जो फर्स्ट दो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट वो हम रीड कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, रोशी ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शियली बाय ट्रेन आफ्टर पार्शियली बाय बस। सी टेक 4 आवर इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड सेपरेट। हमने पहले स्पीड ट्रेन की मान ली, फिर बस की। टोटल डिस्टेंस 300 था। टाइम निकालने के लिए हमने 60 ओवर एक्स किया, क्योंकि 60 हमारे पास दिया था। टोटल जो बस से ट्रेवल किया वो 240 बाय आ गया। हमने टोटल टाइम निकालने के लिए दोनों को प्लस कर दिया, और जो टोटल टाइम होता है वो 4 दिया है हमारे पास। तो दोनों को मिला के कितना होता है 4। हम लिखेंगे हमारे पास केस नंबर 1 में जो था वो है 60 ओवर x प्लस 240 ओवर y इक्वल टू 4। हमने 4 कॉमन किया तो इसमें से दोनों में से बाहर आ गया हमारे पास 1/4 60 ओवर x प्लस 240 ओवर y इक्वल टू 1। वन आया तो हम अब डिवाइड करेंगे अंदर। तो जब डिवाइड करेंगे तो 12 आता है, 15x प्लस 60y इक्वल टू 1। जो हमने क्या किया, जो 15x था और 60y वही किया। और केस 2 है हमारे पास, अब हमें दोबारा से जो डिस्टेंस है वो राइट करने हैं दोनों के, वो हम राइट करेंगे। हम दोनों के डिस्टेंस राइट कर रहे हैं। अब हमने क्या लिखा, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर। तो जो ये 100/x आ रहा है बार बार, ये कहां से आ रहा है, ये 100/x आ रहा है डिस्टेंस ओवर स्पीड, क्योंकि हमने जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है एंड जो स्पीड मानी है वो x है। तो टाइम निकल रहा है उसके, वही फॉर्मूला लगा है जो पहले पढ़ते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो सिंपल सा फॉर्मूला वही यूज कर रहे हैं। हमने टोटल टाइम ऐड किया, टोटल टाइम था 4 आवर 10 मिनट। 10 मिनट को आवर में कन्वर्ट किया तो 10 को 60 से डिवाइड किया, 0 कट गया, 25/6 आ गया। जैसे 25/6 आया, अब मुझे 25 है उसको कॉमन कर देना है। तो 25/4 = 100 होता है, 4/x + 200। चेक करते हैं कब आता है 25 के टेबल में। ऐसे 200 को 25 से डिवाइड किया तो 5/5 = 25, 40 और ये 8। तो बोलने का मतलब हमारे पास 8/y है एंड 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 24/x, 48/y = 1। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुके हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन हमने बना लिया। तो जो इक्वेशंस थे उनके जो 1/x और 1/y हैं, हमें अब वो राइट करें। लेट 1/x = u and that is 1/y = v। तो मैंने 1/x और 1/y को u और v की फॉर्म में राइट कर लिया है। तो 15u + 60v = 1 हो गया, 24u + 48v = 1। मुझे अब
यू और वी के वैल्यूज निकालने हैं, तो मैं यू और वी की वैल्यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालूंगा। तो सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा रहे हैं हम दोबारा से। हमने अभी दिया A1 की वैल्यू 15, B1 की 60, ये पहली साइड क्या, तो C1 - 1, वैसे A2, B2, C2, हमने वही फॉर्मूला लगाया BC, CA, और ABA, तो मल्टीप्लाई किया हमने तो आ गया 60 - 48 12, सब्सट्रैक्ट करने पे AB, सारा का सारा लिख लिया। फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर किया, माइनस से माइनस कट गया, 12 का टेबल आता है तो लगाओ क्या आएगा 6, तो 60, वी की वैल्यू क्या आएगी 1/8, तो यू की वैल्यू 1/60 आई है, वी की वैल्यू 1/80 आई। तो हम ऊपर जो हमने यू और वी माना है उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारे आंसर्स आ जाएंगे। हमारा जो फर्स्ट जो आंसर है यू का वो आ गया 1/x = 1/60, तो x की वैल्यू आ गई 60 एंड y की जो वैल्यू आई वो 1/80 एंड y का सॉरी 1/1 था, y की आंसर आ गया 80। तो हमारे पास आंसर आ गए x और y के, और हमारी एक्सरसाइज इसी के साथ खत्म होती है। थैंक यू।